अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अवर टेक रिपो। आज इस वीडियो में जिस मोबाइल डिवाइस के बारे में हम बात करने वाले हैं वो टेक्नो की मोबाइल डिवाइस है। काफ़ी देर से इसकी लीक्स आ रही थी, पर फिर अब इसका नाम कंफर्म कर दिया गया है और इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कर दिया गया है। लोकल मार्केट में इसलिए अवेलिंग है, जैसे आप सबको पता है कि पाकिस्तान पूरे में लॉकडाउन जारी है और इसलिए मार्केट्स में ये अवेल नहीं है। ये सिर्फ आपको ऑनलाइन मिलेगा, जैसे आपको दराज में मिलेगा, वहाँ पे आपको ऑनलाइन आपको ये मोबाइल देखने को मिलेगा। इसके सबसे पहले अगर मेन हाइलाइटेड फीचर्स की बात कर ली जाए जो इसके प्रमोशन की जा रही हैं, तो वो इसकी 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज है और इसका फ्रंट पॉपअप कैमरा है। पॉपअप कैमरा में आपको 32 MP की सेल्फी देखने को मिलती है। इसके साथ साथ अगर इसके प्राइस रेंज की बात कर लीजिए तो इस सबसे एक इंटरेस्टिंग प्राइस रेंज की बनती है। ये आई थिंक पहली मोबाइल डिवाइस होगी पाकिस्तान मार्केट की जो अंडर 30,000 आपको 6 GB और 128 GB का कम्बिनेशन देती है। मोबाइल का नाम टेक्नो कैमन 15 प्रो है। इसका अगर अनबॉक्सिंग की जाए और आगे इसके डिटेल में अनबॉक्सिंग करते वक्त अगर बॉक्स का चेक कर लें तो बॉक्स पे ऐसे सिंपल आपको टेक्नो कैमन 15 प्रो देखने को मिलता है। साइड पे कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, और बैक्स पे भी इस तरह कुछ फीचर लिखे हुए हैं। अनबॉक्सिंग करते ही आपको एक बुकलेट देखने को मिलती है जिसके ऊपर यूज़र मैनुअल्स और आपको गाइड दिया है। टेक्नो एक वाहद कंपनी है जिसने शुरू शुरू में भी ये दिया था और अब भी दे रही है कि आपको 12 महीनों के साथ 1 महीने की एक्स्ट्रा वारंटी देखने को मिलती है। इसमें होता कुछ यूँ है कि 1 महीने तक आप रिप्लेसमेंट वारंटी करा सकते हैं और उसके बाद आपको एज नॉर्मल जो आपको यूजर देखने को मिलती हैं वारंटीज वो ही होती है। ये 1 महीना आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलता होता है इसमें। उसके बाद अगर बात करें तो आपको यहाँ पे मोबाइल डिवाइस देखने को मिले जिसके ऊपर फिर कुछ हाईलाइट फीचर हैं, जिसमें इसका पॉपअप कैमरा, इसका और फीचर्स हैं वो मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। आगे आपको बॉक्स में चार्जर देखने, 2 पिन लोकलाइज्ड पिन चार्जर देखने को मिलता है जो कि 5 वोल्ट 2 एम्पीयर पे आपका मोबाइल चार्ज करेगा। और उसके साथ ही आपको माइक्रो USB कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। इन सब के बाद अगर अब मोबाइल्स पे आ जाएँ, सबसे पहले हम इसकी हाईलाइटेड फीचर यानी इसके फुल एच डी डिस्प्ले नॉच लेस डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे आप डिस्प्ले की बात कर लीजिए तो यहाँ आपको 6.6 इंच का IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसकी अगर रेजोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर 1080p पिक्सल आपको देखने को मिलते हैं, और अगर पीपेड डेंसिटी की बात कर लीजिए तो यहाँ पे आपको 390 ppi पिक्सल डेंसिटी देखने को मिलती है। ये एक ड्रॉप नॉच या फिर पंच होल डिस्प्ले नहीं है, ये एक फुल डिस्प्ले है विदाउट पंच होल और ड्यू ड्रॉप नॉच। इसके बाद अगर इसके प्रोसेसर और रैम वगैरह की बात करी जाए तो यहाँ पे भी टेक्नो ने कुछ इम्प्रूवमेंट्स की हैं। सबसे पहली जो इम्प्रूवमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलती है वो इसका 2.35 GHz का ऑक्टा कोर चिपसेट है, जिसमें 4 स्लॉट्स 2.35 GHz कॉर्टेक्स A53 की देखने को मिलती हैं और 4 स्लॉट्स ही 1.8 GHz की कॉर्टेक्स A53 की ही देखने को मिलती हैं। और उसके बाद अगर इसके प्रोसेसर की बात करें यहाँ पे आपको MediaTek का हीलियो P35 देखने को मिलता है। पिछली कुछ डिवाइसेस में हीलियो P35 नहीं आ रहा था, ना ऑक्टा कोर चिपसेट था। ऑक्टा कोर चिपसेट था पर वो 2.0 था, कुछ अपग्रेड्स की गई। और अगर GPU की बात करें यहाँ पे आपको पावर का VRGE830 देखने को मिलता है। और उसके बाद अगर इसके कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपको बैक पर ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है और फ्रंट पर एक पॉपअप कैमरा 32 MP का देखने को मिलता है। अगर बैक की डिटेल में चली जाए तो आपको जो मेन कैमरा है वो 48 MP का देखने को मिलता है F1.8 aperture के साथ, और जो दूसरा कैमरा है वो अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 5 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि F2.5
अपर्चर के साथ देखने को मिलता है। और तीसरा कैमरा डेप्थ सेंसर है आपका। और जो आपके यहाँ पे चौथा कैमरा देखने को मिलता है वो एक QVGA सेंसर है, जो कि नाइट फोटोग्राफी या फिर नाइट मोड में आप इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको LED फ्लैश भी देखने को मिलती है। और यहाँ पे अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर लीजिए तो आपको फ्रंट और बैक पे दोनों तरफ ही 1080p 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग भी देखने को मिल जाती है। और इसके बाद अगर इसकी बैटरी और दूसरी चीज़ों की बात कर लीजिए तो यहाँ पे आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, साथ आपको 5 वोल्ट 2 एम्पीयर का चार्जर देखने को मिलता है। इसके बैक डिज़ाइन की बात करें वो एक यूनिक बैक डिज़ाइन है। कैमरा का जो आप यहाँ पे देखने को मिलता है वो भी एक यूनिक है, सिर्फ एक अलाइन में, चाहे आप पॉपअप कैमरा भी बाहर निकालें तो वो भी सारा कैमरे बैक और फ्रंट एक अलाइन में है। जो इसके कलर्स हैं वो आपको यहाँ पे सामने देखने को मिल रहे हैं, ये दो कलर इसके अंदर आपको अवेल हैं। और इसके प्राइस रेंज की दोबारा प्राइस इसकी बता दें दोबारा आपको, तो इसकी 30,000 प्राइस रेंज आपको देखने को मिलती है, यानी 29,999 रुपये इसकी रिटेल प्राइस है। टेक्नो का ये मोबाइल एक्सपेक्ट किया जाता है कि 38,000 35,000 में देखने को मिले, क्योंकि इसके अंदर रियली जो सही वाली 6 GB और 128 GB स्टोरेज और रैम आपको देखने को मिलती है। तो ये अपने इस लेवल का मेरे हिसाब से तो वह मोबाइल है जो आपको अंडर 30,000 6 GB और 128 GB का कॉम्बिनेशन देता है। पाकिस्तानी मार्केट के लिए एक परफेक्ट मोबाइल है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी। इस सूरत हाल में अपने घरों में रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।